इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान विमेन और साउथ अफ्रीका विमेन के होने वाले सेकंड T20 मैच के बारे में। पहले T20 का वीडियो आप जाकर के देख लो। मैंने आपको एक बात बताई थी कि पाकिस्तान विमेन की टीम भले ही वीक टीम है, उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी साउथ अफ्रीका विमेन है, लेकिन जब पाकिस्तान में मुकाबले होंगे तो वहाँ पर ये कड़ी टक्कर देने वाली। और आपने देखा कि पहले T20 मैच में पाकिस्तान विमेन ने साउथ अफ्रीका विमेन की टीम को हरा दिया। पहले बैटिंग करके हराना थोड़ा आसान होता है, लेकिन चेस करके जीतना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, और उसमें भी साउथ अफ्रीका विमेन के पास जब इतने अच्छे अच्छे बॉलर हो। तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कि इस मैच को कौन सी टीम विन करने वाली है, कौन से प्लेयर आपके लिए ट्रम्प पिक होंगे, ग्रैंड लीग की पिक आपके लिए क्या होगी, स्मॉल लीग की पिक आपके लिए क्या होगी, विजन 11 में आपको टीम कैसे बनानी है, ड्रीम 11 में कैसे आपको टीम बनानी है, क्या प्लेइंग 11 रहेगी, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि मैच में होने वाला है। आपको बस अपने लाइफ का कुछ मिनट हमारे नाम करना है, उसके बाद बड़ी बड़ी विनिंग्स आपको आज इस मैच में होते हुए दिखेगी। आपको हमारे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से देखना है, एक एक बातों को ध्यान से सुनना है, समझना है और सीखना है, क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात पर फोकस करता हूँ कि सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। ये मैच एक बार फिर से कराची नेशनल स्टेडियम में होने वाला है, जहाँ हमने पाकिस्तान सुपर लीग के बहुत सारे मैचेस देखे, करोड़ों रुपए की हमने विनिंग की। आप भी अगर विन करना चाहते हो तो एक नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने मोबाइल में सेव करके रखना, बहुत आपको इससे हेल्प मिलेगी, 9140233474, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अब यहाँ पर रिसेंट मैच, लास्ट मैच आपने देख ही लिया, विमेंस का मैच और स्पिनर को विकेट ना मिले ऐसा कैसे हो सकता है। चाहे पिच में मदद हो स्पिनर को चाहे नहीं हो, स्पिनर्स को विकेट जरूर मिलते हैं विमेंस क्रिकेट में। यहाँ पे तो स्पिनर्स को वैसे भी मदद है, आप PSL के मैच देखोगे, 8 विकेट स्पिनर ने लिए, 5 विकेट पेसर ने लिए, 6 विकेट स्पिनर ने लिए, 10 विकेट पेसर ने लिए, 7 विकेट पेसर ने लिए, 3 विकेट स्पिनर ने लिए। पेसर्स को मदद यहाँ पे मिलती तो हर पिच पे है, लेकिन स्पिनर को भी मदद है, और यहाँ पे बड़े बड़े स्कोर बनते हैं। ये 220 रन बन गया, 167 बन गया, और विमेन में जब 150 बन के चेस हो गया तो आप समझ सकते हो एक बैटिंग पिच है। प्लेयर का रिकॉर्ड, टी ब्रिट्स हमेशा अच्छा खेलती हैं, लास्ट मैच में भी इन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई, हमने भी इनको अपनी टीम में लिया था, अल्ट्रा क्लीनशिप हमने किया। किसी भी अपोनेंट के पास, ज़्यादातर लीग में बहुत सारे अपोनेंट के पास ये थी, लेकिन मैक्सिमम अपोनेंट ने टी ब्रिट्स को नहीं लिया था, अब लोग लेना चालू करेंगे, लेकिन आज के मैच में ये चलेंगी कि नहीं चलेंगी ये मैं आपको बताऊंगा। अभी 5 मैच में 251 रन है, 62 का एवरेज है, और 78 इनका हाईएस्ट है, ठीक है। एम कैप की बात करें तो 10 मैच में इन्होंने 189 बनाए हैं और 18 विकेट है, ये इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट ऑलराउंडर है। लास्ट मैच में बैटिंग से कोई खास परफॉर्मेंस नहीं था, ठीक ठाक था, बट ये बड़ी इनिंग खेल सकती हैं। टी ब्रिट्स इस मैच में बहुत कम चांस है कि ये चलेंगी, कमेंट करके मैच के बाद बताना कि टी ब्रिट्स ने कैसा परफॉर्मेंस किया। पहले मैच में इन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई थी, इस मैच में कम चांस है। ये मैंने आपको ट्रम्प कार्ड बताया है, यहाँ पे हो सकता है ये चीज़ें करेक्ट ना भी हो, लेकिन मेरे को जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। इंटरनेशनल मैच में हमको कोई न्यूज नहीं आती है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लेयर्स बैटल कुछ खास है नहीं। एक यहाँ पे है नसरा संधू, ने 15 बॉल में 2 बार आउट किया है लॉरा वुलवर्ट को। इसके बाद यहाँ पे आगे चलते हैं, हेड टू हेड मैच आपने देख ही लिया, ये वाला था, इसमें टी ब्रिट्स ने 78 बनाया था, लॉरा विल्वरेट ने 44 रन बनाया था, एम कैप में ने 19 रन बनाया था, एक विकेट लिया था। बिस्मा महारूप, सिदरा अमीन ने अच्छी बैटिंग की थी, आलिया रियाद ने काफ़ी तेज 28 रन बनाए थे, बाकी इन तीनों को एक एक विकेट मिले थे। इसके पहले का रिकॉर्ड आप देख लेना, पहले T20 के पहले भी मैंने ये सभी रिकॉर्ड आपको बताए थे, ये आपके काम के, मेरे काम के नहीं। बस एक चीज़ ध्यान रखना, टी ब्रिट्स का कई जगह हेड टू हेड में नाम आया, यहाँ भी आया, पहले T20 में आपने देख ही लिया, एक जगह और आया है, यहाँ भी 52 इन्होंने मारा है, यानी पाकिस्तान वुमेन के अगेंस्ट ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं, बाकी नाम आप रीड कर लेना, बट आज के मैच में कम चांस ये चलेंगी। अब यहाँ पे पाकिस्तान वुमेन की तरफ से एस जुल्फिकार को ग्रैंड लीग में ट्राई करना, सिदरा अमीन भले ही यहाँ पे चल गई थी लेकिन इस मैच में कम चांस है ये परफॉर्मेंस करेंगी, तो इनको आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो ले सकते हो, आपकी इच्छा। बिस्मा महारूप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी प्लेयर है, हर मैच में कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस करती हैं, चाहे वो फील्डिंग से करें चाहे वो बैटिंग से करें, इंपॉर्टेंट है। निदा डार इनकी सबसे इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है, इनके एक ओवर में 2 कैच ड्रॉप हुआ था, अदरवाइज इनके खाते में कम से कम 2 विकेट होते हैं।
और एक तो टी ब्रिट्स का कैच था उस समय, उनकी हाफ सेंचुरी शायद नहीं हुई थी। ठीक है, आलिया रियाज ये बॉलिंग भी कराती हैं, हेड टू हेड में इनका भी कई जगह नाम है, ऊपर जाके देखना। फिलहाल के लिए आलिया रियाज उतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगी। मुनीबा अली विकेट कीपर है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो अपनी टीम में, और अच्छी प्लेयर है। फातिमा सना इनकी मेन बॉलर है, डेथ ओवर में भी करती हैं, इम्पोर्टेंट रहेंगी। नसरा संधू इम्पोर्टेंट है, डायना बैक का ओवर हमेशा कट जाता है, इनको आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। सिद्रा सादिया इकबाल इम्पोर्टेंट है, और इनको आपको नहीं लेना है। ठीक है, आप चाहो तो डायना बैक काफ़ी पुरानी प्लेयर है, बॉलिंग अच्छी कराती है, बट इनको विकेट नहीं मिलता है, सेम जैसे भुवनेश्वर कुमार के साथ है, सेम जैसे आप देखोगे चेन्नई की तरफ से खेलते हैं दीपक चहर। इसके बाद आगे चलते हैं, टी ब्रिट्स बहुत अच्छी फॉर्म है, देख सकते हो लगभग बहुत बड़े बड़े इनिंग्स हैं, चाहो तो ले सकते हो। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताया कि इस मैच में फ्लॉप हो सकती हैं। लॉरा वुलवरेट हमेशा आपको लेना है, ये बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर है, टीम की कैप्टन भी है। एम कैप आपके लिए मस्ट पिक है, कैप्टन की नंबर वन चॉइस है। एंडी क्लार्क ने आपने देखा द हंड्रेड में क्या कुछ परफॉर्मेंस किया था, ये भी आपके लिए मस्ट पिक है। इसके बाद सुन्ने लूस कभी कभी पार्ट टाइम बॉलिंग कराती हैं, कभी कभी अच्छी इनिंग खेल जाती हैं, आपकी इच्छा है, मैं इनको रिकमेंड नहीं करूँगा, इनको भी आपको नहीं लेना है। इसके बाद यहाँ पे आगे चलते हैं, ए बॉस ओपनिंग पहले करती थी, अगर करेंगी तब आप इम्पोर्टेंट रहेंगे, इनको भी नहीं लेना है। जाफ्ता को ले सकते हो, जाफ्ता का एक ऑप्शन आपके पास है, एक आपके पास दूसरी टीम के विकेट कीपर का ऑप्शन है, आपकी इच्छा है। खाका इंपॉर्टेंट है, मलाबा इंपॉर्टेंट है, और क्लास इंपॉर्टेंट है, तीनों ही विकेट टेकिंग बॉलर हैं, भले तीनों को लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला, यही वजह है कि पाकिस्तान वुमेन ने चेस कर लिया। बाकी बेंच पे कुछ प्लेयर हैं, ये खेलती हैं तो हेड टू हेड में इनका नाम आया है, इनका भी नाम आया है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। बात करते हैं ड्रीम इलेवन टीम की, मुनीबा अली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सेफ पिक भी है। लॉरा वुलवरेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिस्मा महरूफ को मैंने लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो 94% का सिलेक्शन है टी ब्रिट्स का, मैंने इनको ड्रॉप किया है, आप चाहो तो ले सकते हो। आलिया रियाज भी बैटिंग में प्रमोट हो सकती हैं, चाहो तो ट्राई कर सकते हो। फिलहाल के लिए एम कैप, निदा डार और एंडी क्लैर्क को मैंने लिया है, तीनों इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, बाकी यहाँ से कोई भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। ओ सोहेल अगर खेलती हैं तो मस्ट पिक है, बहुत शानदार ऑलराउंडर है पाकिस्तान की। एम क्लास नसरा संधू, ए खाका, सिद्रा इकबाल और फातिमा सना को मैंने लिया है। मलाबा को आप ट्राई कर सकते हो, डायना बैग आपको लेना है तो ले सकते हो। अगर आप विजन इलेवन में खेल रहे हो तो यहाँ पे कोई भी एक चेंज आप कर सकते हो, क्लास को हटा के, या तो आपको पाकिस्तान वुमेन की तरफ से जो भी लगता है फ्लॉप होगा उनको हटा करके एक आपको यहाँ पे बैट्समैन लेना है। टी ब्रिट्स के साथ आप जा सकते हो आसानी से, आपकी इच्छा है, बट फिलहाल मैं ड्रीम इलेवन की टीम आपको दे रहा हूँ तो मैं इस तरीके से जा रहा हूँ। सीबीसी की अगर मैं बात करूँ तो कैप्टन आपको एम कैप को ही बनाना है, दूसरा कोई थॉट मन में मत लाना, कैप्टन केवल और केवल एम कैप को ही बनाना है। निदा डार को वाइस कैप्टन बना सकते हो, वाइस कैप्टन के बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपने देखा यहाँ पे ये दोनों विकेट टेकिंग बॉलर हैं, मेनली नसरा संधू ये सबसे ज़्यादा विकेट टेकिंग बॉलर हैं, इनको वाइस कैप्टन बना सकते हो, इनको बना सकते हो, कंसिस्टेंट रहती हैं, बाकी और तो कोई चॉइस मेरे को नहीं दिख रही है। बात कर लेते हैं पेड मेंबरशिप की, हमारा एकमात्र व्हाट्सएप नंबर है 9140233474, हमारा चार्ज मार्केट में सबसे ज़्यादा हाई है, बिकॉज हमारी विनिंग भी सबसे ज़्यादा है, कंसिस्टेंसी के साथ हम विन करते हैं, न्यूज के बेसिस पर हम टीम बनाते हैं, लाखों रुपए उसके लिए पेमेंट करते हैं, क्योंकि आपको फैंटेसी का बिजनेस समझना होगा। आपको लगता है हर चीज़ें फ्री में अवेलेबल है और जो फ्री में चीज़ें मिल रही हैं उससे आप बड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, तो ये आपकी गलती है। हमने आज से 5 साल पहले ही हमको पता लग गया था कि मैचेस स्क्रिप्टेड होते हैं और ज़्यादातर डोमेस्टिक मैचेस होते हैं, तो अगर आपको उसमें विन करना है बिना न्यूज कलेक्ट किए आप कंसिस्टेंसी के साथ विन नहीं कर सकते हो। एक मैच आप विन करोगे तुक्केबाजी, कोई ऐसा प्लेयर आपने ले लिया जिसको किसी ने नहीं लिया है और आप उस मैच में विन कर गए, सेम यही गलती। अब चूंकि आप उसमें विन कर गए तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पर चला गया, आपको उस समय लगेगा कि आपसे अच्छी टीम कोई बना ही नहीं सकता है, फिर वही सेम मिस्टेक आप आगे आने वाले मैचेज में करते जाओगे और फिर आपको लॉस होता जाएगा, फिर आपका जो प्रॉफिट एक मैच में हुआ था वो दो तीन मैच में आपका पूरा कैपिटल के साथ ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसीलिए हम लोग जो टीम बनाते हैं न्यूज के बेसिस पे टीम बनाते हैं, भले ही मेरा पॉइंट आपके पॉइंट से कम होगा किसी एक मैच में दो मैच में, लेकिन जब पूरे इतिहास को निकालोगे पूरी हिस्ट्री को सीरीज की निकालोगे तो हम प्रॉफिट में रहेंगे।
ये आपको सीखना होगा फैंटेसी से। तुक्केबाजी करके आप एक मैच में 100-200 पॉइंट्स जीत सकते हो, लेकिन आप हमेशा प्रॉफिट में नहीं रह सकते हो। ये चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती हैं। तो सारी बातें मैंने बता दी। एक मंथली पैकेज हमने अनाउंस किया था, सारे स्पॉट फुल हो चुके हैं। अगर हम स्पॉट अनाउंस करेंगे तभी आपको मेंबरशिप मिलेगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका होस्ट दोस्त अंकुरी साइनिंग आउट। बाय बाय।